नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट सख्शियत। सख्शियत के हमारे मेहमान हैं प्रख्यात भजन गायक सम्मानित श्री पंडित राजेश जी मिश्रा। राजेश जी मिश्रा इंदौर में मिश्रा बंधु के नाम से विख्यात है, प्रख्यात है और अब देश दुनिया में खूब अपना नाम कमा रहे। राजेश जी आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट सख्शियत के भीतर। हमारा द प्राइम टॉक जो चैनल है उसका शुरू करने का तात्पर्य यही था, उसकी फोकस यही था कि आप जैसे शख्सियत जो इंदौर शहर की महिला की नगरी की है और वो देश दुनिया में खूब नाम कमा रही है, हम आपसे ढेर सारी बात करेंगे। आपके भक्ति संगीत से जुड़े हुए, आपकी गायकी को लेकर, आपके भजनों को लेकर, जिस तरह से देश दुनिया के सेलिब्रिटी आपकी कायल देखी जाती है उनको लेकर भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले आपके बाल्यकाल को जानना चाहेंगे, किस तरह का रहा है आपका बाल्यकाल महिला की नगरी में। इंदौर का जो हमारा बचपन है वो बहुत शानदार रहा है। क्या बात है। और उसकी खुशबू आज भी हम महसूस करते हैं। हम लोग इंदौर में पश्चिम क्षेत्र में एक एमओजी लाइंस करके जगह थी। बिल्कुल। तो मेरे फादर सेल्टेक्स विभाग में अधिकारी रहे थे तो वहाँ पे गवर्नमेंट का क्वार्टर था। बिल्कुल सही कहा। और उसकी विशेषता यह थी कि वहाँ पे आप अपने परिवार के साथ रहते हैं लेकिन सब जुड़े हुए घर थे। बिल्कुल। एमओजी लाइंस तो वो 15 घरों का एक परिवार बन जाता था। बिल्कुल सही कहा। तो जो लोग साथ में अभी खेल के बड़े हुए काफी बड़ी बड़ी जगह पर, कुछ लोग उसमें प्रोग्रेस करिए। हम लोग भी काफी कुख्यात थे बचपन में। इंदौरियंस थे, इंदौरियंस थे, प्योर इंदौरियंस थे। और वही सब चीजें जो जनरल होती है इंदौर के अंदर, जो एमओजी लाइंस जैसे एरियो में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जो सबसे हमारी शानदार जो याद है वो हमारे पूज्य पिताश्री जो कि हमारे प्रथम गुरु भी हैं संगीत में, उन्होंने ही हमको संगीत जो भी सिखाया है। उन्होंने घर में गाय रखी हुई थी। ओके। हमारी ड्यूटी थी सुबह उठते ही हमको गाय का जो है वो गौशाला साफ करनी पड़ती थी। ओके। उसका गोबर उठाते थे, उसका गौमूत्र से झाड़ू से साफ करते थे, फिर उसको धोते थे, फिर उसको वो भूसा और वो उसकी सानी बनाते थे। गाय का भोजन रहता था वो बाटा उसको देते थे। हाँ, बाटा उसको देते थे। और उसके बाद हम दोनों भाई, क्योंकि तीसरे हमारे महेश जी काफी छोटे थे तो ये बचे हुए थे उस समय, तो फिर हम उसके बाद दयानंद स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम जाते थे तो फादर हमारे गेट पे खड़े रहते थे, जैसे हम हमारे घर से बाहर निकलते थे वहीं गौशाला थी, तो फादर हमारे वहां पे वो गाय का ऐसा इतना बड़ा स्टील का गिलास था, आधा लीटर से ज्यादा का, वो पूरा निकाल के भर के देते थे और बेंत लेके खड़े हो जाते थे और वो हमको एक सांस में पीना पड़ता था। अगर रुक गए हम तो सट करके वो जो पड़ती थी हमको, तो काफी चुलबुली यादें आपके। हाँ, तो वो ऐसा लगता है कि आज इस उम्र में भी जो 5 घंटे 6 घंटे गा पाते हैं, शायद वो धारोष्ण जो गौ दूध हमने बचपन में पिया वो पिताजी के आशीर्वाद से वही आज एनर्जी के रूप में। आपने शुरुआत कैसे किया आपके संगीत की? बेसिकली मेरे पिताश्री बहुत अच्छा गाते थे, वो आशु कवि भी थे। मेरे पिताश्री स्वर्गीय हनुमान प्रसाद मिश्र उनका नाम रहा और वो मझले भैया के नाम से काफी विख्यात थे। उनको रामचरितमानस की चौपाइयां और आल्हा गाने में महारत हासिल थी। और इंदौर में जो सुंदरकांड का जो एक चलन परंपरा थी उसमें वो उसके एक प्रणेता सदस्य रहे हैं। और हमने बचपन में बरसों गौराकुंड में एक हनुमान जी के मंदिर पे हर शनिवार को हमने सुंदरकांड का संगीतमय पाठ किया, तो वो अनायासी हमको पिताश्री को गाते देखकर वो उनसे सीखने का भाव ऑटोमेटिकली आ गया। और उसके बाद कुछ जो जिसको हमारी नजर में हम क्लासिकल भजन उस जमाने में बोलते थे और जो बहुत कठिन थे, बिल्कुल वो भजन उन्होंने हमको तैयार कराए, जिसमें वो पहला भजन था जिसको सुन के हमने बोला कि हम इसको इस जन्म में कभी नहीं गा पाएंगे पिताजी। क्या बात। तब हमारी उन्होंने वो बेल्ट से पिटाई की थी दोनों भाइयों को। हम बोले भाजी ये तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बोला होगा। और वो पहला भजन जो हमने गाया जिसको सुन के फिर जो जहाँ सुनता था वहाँ रुक जाता था, और वो भजन था जो हमारे पिताजी उनको बहुत पसंद करते थे, हमारे भी बहुत सम्माननीय है शर्मा बंधु। ओके। जिनका सूरज की गर्मी वाला गाना है, सूरज की गर्मी। हाँ, तो उनका एक भजन था जो हमने पहला भजन जो उनका तैयार किया था बाहर वाला, बाकी तो हम पिताजी के जो लिखे हुए थे वो गाते थे, लेकिन जो उस स्टाइल का भजन था वो भजन था
दिमक दिमक डिम डमरू बाजे, दिमक दिमक डिम डमरू बाजे, शंकर जी कैलाश बिराजे, संग में अंब भवानी राजे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े भोले हैं, क्या बात है, बोलते बड़े भोले हैं, अपने भक्तों के लिए अपनी कृपा के खजाने सदा खोले हैं, सदा खोले हैं। पापहारी हैं, पापहारी हैं, शरणागत के लिए शिव जी उनके सदा सुखकारी है, दुखहारी हैं। क्या हाँ पंडित जी, ये जो बोलते भजन आप गाते हैं, सुनना कम ये जो आप बोले ना बोलता भजन, ये कला कहाँ से? ये हमारे पिताश्री का ही वो था, यहीं से उन्होंने हमको भजन का डिस्क्रिप्शन करना बताया था कि भजन को गाने के पहले या बीच में उसको बताओ कि तुम क्या गा रहे हो। उसका बहुत से शब्द क्लिष्ट होते हैं हिंदी के, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, न्यू जनरेशन के, तो उनको डिस्क्रिप्ट करो। तो जो आप बोले ना, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी जो है हमारे सिने अभिनेता, तो बम्बई में जैसे हमारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं कभी आए वो, तो उन्होंने जब मेरे भजन को सुना तो उन्होंने ये टाइटल दिया, राजेश मिश्रा बोलता भजन। और आपके मुंबई जाने का सफर कैसे शुरू हुआ? इंदौर में तो आपने खूब ख्याति अर्जित की। इंदौर में हमारा जो पहला भजन हिट हुआ था वो राम नाम के हीरे मोती था, और वो हमारे पिताश्री का एक अलग ढंग का स्टाइल था वो। उन्होंने हमको शुरू से ही बताया था कि किसी की नकल नहीं करना है, आपको अपना डेवलप करना है, तो हमने उसी के हिसाब से गाया। फिर एक ऐसे ऐसे भजन, मतलब मोहन का जन्म हुआ, रात आदि, अलग अलग जो उनके श्रीमन नारायण नारायण, ऐसे भजन जो पॉपुलर होते होते फिर उनका एक भजन हमारा जिसपे हम अलग ढंग से वरमाला भी कराते हैं विवाह के अंदर में, तो वो उसका झुक जइयो तनक रघुवीर। झुक जइयो तनक रघुवीर, हम जो वरमाला कराते हैं अलग अलग लक्ष्मी नारायण थीम, कई थीम पे वरमाला कराते हैं, और बड़े बड़े नामचीन इंडिया के जो घराने हैं, जैसे डोनियर शूटिंग है, प्रफुल साड़ी वाले हैं, हमारे इंदौर की जो शान है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, अग्रवाल ग्रुप वाले, इनके परिवार में दसियों बार मैंने ये वरमाला के प्रोग्राम कराए हैं। बहुत सुंदर। इसका भाव ये था, हमारे फादर ने जो लिखा है कि सीता जी का हाथ राम जी के गले में वरमाला पहुंचने के लिए डालने के लिए पहुंच नहीं पा रहा है, और राम जी चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है वो सिर झुका नहीं सकते हैं, तो जनक जी और सीता जी की मम्मी, क्या नाम है उनका आप नहीं बता पाएंगे, सीता जी की मम्मी का नाम है सुनैना जी है, तो वो निवेदन कर रही है राम जी से कि थोड़ा सा मेरी बिटिया नाजुक है, छोटी है, तो आप थोड़ा झुक जाइए तो वो वरमाला पहना ले, तो उसका भाव से कल्पना करके वो वरमाला का गीत है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, और तुम हो बड़े बलबीर, बिटिया छोटी है। कितना दिल से गाते हैं, भाव से जो है कि वो आप जब गाते हैं तो रोमांच से भर उठता हूँ मैं जब आपसे बातें करता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक उम्र थी जब नहीं समझते थे जी, तो संगीत और जो भक्ति संगीत का मार्ग है इसमें यह है कि उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। क्या बात, पहले स्कूल में मास्टर हमको जल्दी छुट्टी दे देता था, हम पहले ही जो आज मालूम था 10 तक के पहाड़े पूछेगा तो सबसे पहले जो पहाड़े 10 तक पूरे सुना देता था उसको जल्दी छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन ये जो है कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पन घट की, जो भी साधना का मार्ग है उसको साधने में टाइम लगता है, चाहे वो शरीर की साधना हो, चाहे गले की साधना हो, जो भी साधना का मार्ग है, संगीत का मार्ग है, उसमें जो है जब तक आप डूबेंगे नहीं, बिल्कुल सही। तो जब समझ में आया तो अब हम दूसरों को सुनाने के लिए नहीं गाते हैं, बिल्कुल सही। अब वो जो कण-कण में व्याप्त है, हमको लगता है वो कहीं से सुन रहा है, क्या बात है, तो अब उसको सुनाने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म संगीत के माध्यम से बढ़ा है, और आपका अध्यात्म कहीं ना कहीं आपके भीतरी रोम रोम में फूट के भर गया। ये जो वरमाला इस समय हम करा रहे हैं लक्ष्मी नारायण थीम पे और सीताराम थीम पे, बहुत से लोग कृष्ण थीम भी मांगते हैं, वो भी करते हैं, शंकर जी की थीम पे भी करते हैं, उसका कारण ये है कि इस जो विवाह वाला एक कार्यक्रम हमने चालू किया है हमारे
पूज्य पिताश्री के आशीर्वाद से वरमाला का, इसमें हम तोरण से लेके विदाई तक का पूरा पैकेज करके देते हैं। जो भी आपका गोत्र है, जो भी आपकी रस्म है, उसको हम गीत बना के और कहने की विवाह समारोह को एक अध्यात्म से भी जोड़ने की पूरी तरह जो भारतीय शास्त्र है जी, जी, उसका जी, भी अनुसरण कहने की उस कार्यक्रम में देखा। उसका ये फायदा होता है कि आपकी जो भी रस्म है वो गीतों के माध्यम से रोचक तरीके से जब प्रस्तुत की जाती है तो वो आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो उससे परिचित हो जाती है और एक श्रृंगार भी बढ़ जाता है। और पिताश्री का ही आशीर्वाद है कि मतलब राजेश मिश्रा एक भजन गायक के अलावा मैं एक कंपोजर हूँ, मैं एक गीतकार हूँ। कोई भी गीत मुझे दे दीजिए, मैं उसको कंपोज करके आपको गा के दे दूंगा। कोई भी मैटर मुझे दे दीजिए कि जैसे आपके जो चैनल का नाम है द प्राइम टॉक कैसे ये बना, कहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई, आपको अगर लगेगा कि मुझे एक मेरे चैनल का गीत बना के दे दीजिए, आप बोलेंगे 2 मिनट का गीत बनाना, मैं 2 मिनट का बना दूंगा। आप बोलेंगे हमको 10 मिनट का चाहिए, मैं 10 मिनट का बना दूंगा। तो ये एक मेरे पिताश्री स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी मिश्र मजरिया भाव खूब देखा जाता है, पिता के प्रति कृतित्व। देखिए आज हम देखते हैं कि हम जहाँ भी है जी बिल्कुल हमारे पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से। माँ अभी हमारी आपने दर्शन किया, उनका मम्मी बैठी थी, उनको मैं भजन सुना रहा था बैठ के, आनंद के और उनका आशीर्वाद बहुत रहा और उनको भी बड़ा शौक है। और माता पिता ने हमको अनायासी अलग अलग सब्जेक्ट दे देते जिस पे हम भजन बनाते थे और वो भजन हम पब्लिक में गाते थे और पब्लिक उस पे नाचती थी। क्या बात? जैसे हमारी मम्मी है मनोरमा देवी जी, मनोरमा देवी मिश्र और पिताजी हैं, तो ये छोटी छोटी बातें जो बताते थे तो धीरे धीरे जब हमारी आदत पड़ने लगी राइटिंग करने की तो जैसे हमारी मम्मी बोली कि बेटा मुझे एक बार काशी ले चल जी। और मैं हारमोनियम पे रियाज कर रहा हूँ बैठ के जी, तो तानपुरा लगा हारमोनियम पे बैठा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ क्यों, तो बोलती है मम्मी मेरी कि काशी में मेरे को विश्वनाथ भगवान का दर्शन करना। मैंने कहा और क्यों करना है? बोले मैं गंगा नहाऊंगी। मैंने कहा क्यों? तो कहती मैं मुक्त होना चाहती हूँ, ओके, मोक्ष पाना तो चाहती हूं। उन्होंने जो बोला उसको मैंने, क्योंकि मैं उस समय उसमें डूबा हुआ था, तो मैंने उनकी बातचीत को भजन बना दिया। सुनाते हैं आपको टिप्स कंपनी, मतलब भगवान की कृपा रही और इंदौर का पानी है, माँ नर्मदा माँ अहिल्या का आशीर्वाद और इंदौर वासियों का जो आशीर्वाद है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, टी सीरीज हो, टिप्स हो, HMB हो, विनस हो, सब सबने मुझे बुला के गवाया है। ये इंदौर का ये आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और आउट ऑफ इंडिया में भी जो प्रोग्राम आज भी होते हैं तो मैं कहीं भी जाता हूं लेकिन इंदौर का नाम जरूर कहता हूं कि भैया इंदौर का खाना जिसने नहीं खाया जी। मेरा हर प्रोग्राम में जब इंदौर का जिक्र आता तो कहता हूं कि मारवाड़ मनसूबा डूबा पूरब डूबा गाने में, और मैं साथ में एक लाइन जोड़ता हूं कि हमारा मालवा डूबा खाने में। क्या बात है? तो हम लोग जो है मतलब मेरे तो भाई लोग मुझे कहते हैं कि मंच पे साधु और खाने की टेबल पे स्वादु, तो मतलब इंदौर का नमकीन, इंदौर का जीरा मन, इंदौर की जो भी अचार चटनी पापड़, ये सब चीज में अच्छे से खाता हूँ। तो इस तरह से ये सफर हमारा जो है बस आगे बढ़ता चला गया। क्या बोल रहा था? दुनिया की बात की जाए तो कहाँ का आपकी प्रस्तुति? जैसे अभी लंदन बीच में मेरा बड़ा शो हुआ, बीच में US के अंदर जाना होता है, कनाडा है, और हमारा देव मंदिर है बहुत अच्छा बैंकॉक में, मॉरिशस में काफी लोग हैं, है ना, और ऐसे तो सभी दूर है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन है। मतलब हमारी जो माता की चौकी होती है, हम माता की चौकी या जागरण बोलते हैं जिसको, वो हम जब करते हैं तो जिसने भी हमारे साथ जोत जगाई है उसका ये वो रहा कि उसको एक बार जैसे करंट लगता है ना जोत जगाते समय, अगर उंगली उसको ऐसी टच हो जाती तो वो कहता मुझे करंट लगा। वो क्या है ये हमको भी नहीं मालूम, ये देवी जी की कृपा है, वो जोत जलती है। और ये जो मुझे सिखाया था हमारे इंदौर के डाबर जी थे पंजाबी, उन्होंने, और हमारे प्रिय मित्र हैं जो बहुत बड़े प्रसिद्ध सिंगर हुए माता के, नरेंद्र चंचल जी, इन लोगों ने मुझे ये जोत जगा के जागरण करने का पूरा तरीका सिखाया था। ये गायकी के अलावा, भजन गायकी के अलावा और किस तरह के कार्य आप करते हैं? भजन गायकी के अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति को हमारे युवाओं तक पहुँचाने के लिए हमारे परिवार के अंदर होने वाले उत्सव,
जी, अगर उनको हम सही ढंग से युवाओं को उसमें शामिल करें तो हमारी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक जाती रहेगी। और उसके लिए मैं इंडिया के अंदर विशेषकर इंदौर की बात करूं तो कुछ परिवार ऐसे हैं जैसे अग्रवाल फैमिली का मैंने बताया, ये अग्रवाल स्वीट वाले गोविंद अग्रवाल जी ये परिवार है, ऐसी बहुत सारे फैमिली है, अशोक नील वाले हैं, ऐसे में मतलब नाम तो सैकड़ों है जो अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से निर्वाहन करते हैं। इसके अंदर जैसे ही मैंने बताया शादी का जो मैं प्रोग्राम इसीलिए देता हूँ, तोरण से विदाई तक हर रस्म आती है। तोरण पे बारात आई, कौन घोड़ी से उतार के चौकी पे लाएगा, कौन तिलक लगाएगा, सासू क्या करेगी, तो साली क्या करेगी, तो सर लयबद्ध संगीतबद्ध। और एक मेरी जो विशेषता है जो बोलता भजन जिसके साथ कि मैं जो एंकरिंग करता हूँ, कुछ लोगों को मेरी एंकरिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल नहीं, सही बात, क्योंकि मेरी एंकरिंग स्क्रिप्टेड नहीं होती है, वो ऑन द स्पॉट क्रिएटिव माँ सरस्वती का स्पेशल कहने का आशीर्वाद। उसके अलावा जैसे मायरा होता है भात का, जिसको मारवाड़ियों में कहते हैं, हर हर उसमें मायरा होता है, हर उसके अंदर जो राजशाही शादी जिसको बोलते हैं उसमें, तो ज्यादातर मैं देखता हूँ कि फिल्मी गाने बजा देते हैं या वेस्टर्न टोन बजाते हैं, लेकिन मैं जब भी कराता हूँ तो उसके अंदर मैं ट्रेडिशनल धुनों को और इंडियन इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं वेस्टर्न भी रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा जो बैंड में सेट करता हूँ उसमें शहनाई रहती है, वायलिन रहता है, सितार रहता है, कई बार संतूर रहता है, पखावज रहती है, तबला रहता है, ढोलक रहती है। उधर वेस्टर्न साइड की करूंगा तो दरबू का रहेगा, ड्रम सेट रहेगा, ऑक्टोपैड रहेगा, सैंपलर रहेगा, सैक्सोफोन रहेगा, इंग्लिश फ्लूट रहेगी, कीबोर्ड रहेगा, ऐसे तमाम गिटार सब तरह के। मैं शायद इंदौर के अंदर पहला आर्टिस्ट था जिसके भजन संध्या में तीन गिटार बजते थे, बेस गिटार, स्पेनिश गिटार और एकॉस्टिक गिटार। क्या बात है, मतलब नवाचार की भी बात की जाए। और एक और गिटार जो है हवाइन गिटार, शायद हवाइन गिटार किसी ने नहीं बजवाया होगा भजन के अंदर। ये मैं आपको आज से करीब 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 97 के पहले तक मेरे शो इस तरह के होते थे और रिदम में ढोलक, तबला, ऑक्टोपैड, कांगो, ये सारे ढोल, पांच पांच रिदम रहते थे, तीन गिटार रहते थे, सिंथेसाइजर रहता था, उसके अलावा फ्लूट रहता था, उसके अलावा कई बार जो हमारे इंदौर के सबसे बड़े सैक्सोफोन प्लेयर थे राजू कुलपारी, वो मेरे साथ थे, बहुत प्रेम रहा। एक अच्छी टीम आपने मैनेज की और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश। दिलीप गौड़ करके एक नाम रहा इंदौर में जो कि बहुत कम उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो तबला या ढोलक जिस पे भी वो बैठ जाता था वो बिल्कुल सरस्वती पुत्र था, मतलब दिनेश गुरु शुक्ल का खूब बड़ा नाम। हाँ, वो उनके शागिर्द थे, दिनेश गुरु भी हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल सही कहा। तो वो दिलीप गौड़ की याद आज भी मुझे आती है, मतलब दिलीप गौड़ आपको दूर से देखो तो ऐसा लगेगा खाली बैठा हुआ है चुपचाप, लेकिन जैसे हमारे मुंबई की इंडस्ट्री में भवानी शंकर करके हैं, भवानी जी, उनका पखावज और तबले में उनको रावण बोला जाता था, तो बजाने के अंदर, तो जैसे इंदौर के अंदर जो बजाने में वो वाली उपाधि अगर किसी को मिले जी, तो रावण पखावज बहुत अच्छी बजाते थे, तो तबला और ढोलक पे अगर रावण की उपाधि मिले तो वो जो है दिलीप। आप मुंबई में भी आपने काफी प्रस्तुतियां दी है, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी। 97 में मैं बंबई चला गया था, उसके पहले जाता था। 93-94 में मैंने पंखीड़ा और पंखीड़ा गाया, और उसके पहले ये गीत मुझसे गुलशन कुमार ने भी गवाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश उस समय नहीं हुई वो रिकॉर्डिंग। लेकिन फिर जब हुई तो मेरी जो कंपनी रहती है उनके जो मैनेजर या दूसरे लोग रहते हैं वो कई बार डिमांड करते हैं कि सर वो थोड़ा रफ़ी साहब ने ऐसा गाया, इसको ऐसा गा दीजिए थोड़ा ऐसा। तो हमारा शुरू से यही कहना था कि भैया मेरा नाम राजेश मिश्रा है, बिल्कुल सही था, मिश्रा बंधु हूँ मैं, तो मैं मेरी मेरे अंदाज से गाऊंगा, मैं दूसरे की नकल नहीं कर पाऊंगा, मेरे से आप वो आशा मत करो, अगर आप वैसा कराओ ना तो वर्षन सिंगर बहुत सारे किसी से भी गवा लो। तो जो कंपनी ने फिर हमको बोला कि नहीं आपकी जैसी इच्छा होगा वैसा, और फिर वैसा ही जैसे हम लाइव शो में गाते हैं हमने पंखीड़ा वैसे ही गाया, लेकिन ये पहला ऐसा था, इसके रिकॉर्डिस्ट थे मिस्टर पीटर जो कि यहाँ सत प्रकाशन इंदौर के अंदर, वो हमारे इंदौर की शान है, वो भी आदमी सबसे पुराना स्टूडियो। मुझे पहली बार किसी ने माइक से 4 फीट 3 फीट ऐसा दूर, मेरे से इतनी दूर जहाँ आपका कैमरा रखा वहां पे इस माइक रखा है और मुझे यहाँ पे, तो मैंने बोला कि मैंने ऐसा कभी गाया नहीं, इतनी दूर से मैं कैसे गाऊंगा पंखीड़ा गाना जी। तो कहता सर आपको पता नहीं है,
जैसे माइक टाइसन के मुक्के में जो पंच है वो आपकी आवाज में पंच है, अगर मैं आपका पास में रख दूंगा तो मेरी सारी मशीनें उड़ जाएगी, आपका पंच इतना ज्यादा है वॉइस में। क्या आवाज को साधने के लिए मुझे ऐसा लगता है किसी तरह का कोई योग प्राणायाम करते हैं? देखिए, हम चूंकि दयानंद स्कूल में पढ़े हैं और दयानंद स्कूल तो RSS वालों का स्कूल है और RSS को लोग क्यों क्या बोलेंगे क्या नहीं हमें तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे सूर्य नमस्कार कराया जाता था बचपन में, तो हम बचपन से ही जो है 12 सूर्य नमस्कार करते हैं जो आज भी करते हैं, तो शायद उसके कारण ही वो है। उसके अलावा जो हमने जो भी संगीत सीखा है इंदौर में, काफी लोगों ने मुझे सिखाया है, जैसे हमारे सलील दाते जी ने मुझे लाइट के बारे में, जो इस समय फ्लूट के लिए और वायलिन के लिए गोल्ड मेडलिस्ट है, वो मेरे अभिन्न मित्र हैं और गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे लाइट की बारीकियां बताई, है ना। सुनील मसूरकर जी हैं जिन्होंने मुझे क्लासिकल के अंदर किस तरह सुर को वो करता है। इन सबसे पहले बेसिक में एक और शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले हारमोनियम पे सारे गमा पदा निशा मुझे सिखाया, उनका नाम था पंडित किशोरी लाल परिहार जी। वो बहुत उम्दा कलाकार थे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट रहे हैं। उसके बाद विष्णु रामचंद्र वल्लीवडेकर जी थे, उन्होंने भी मुझे कुछ सिखाया। उसके अलावा जो मेरा सबसे ज्यादा प्रेम था वो श्री कृष्ण सावनेर जी, जो तार गली में जिनका संगीत का विद्यालय था। आप बिल्कुल जीवंत कर दिए माहिल्या की नगरी के संगीत के। सावनेर जी पहली बार मुझे एक, मैं स्कूल में पढ़ता था तब, एक कॉम्पिटिशन में जज बन के आए थे और वहां उन्होंने मेरा गाना सुना था, मुझे फर्स्ट प्राइज दिया और मुझे बोले कि आप मेरे पास आना, मैं आपका, तब तक हमारा थोड़ा थोड़ा नाम होने लगा था, मैं 10th क्लास में पढ़ता था शायद उस समय, 9th-10th में, तो वहां से फिर उन्होंने मुझे थोड़ा क्लासिकल और ये सब बजाना शुरू किया और उससे उससे, लेकिन मेरा जो गाना आज का है मैंने हमेशा मास के लिए गाया, क्लास के लिए नहीं गाया। मेरा गाना जो है, जैसे सोनू निगम जी जो पार्श्व गायक हैं, जब पहली उनसे मेरी दोस्ती हुई, गुलशन कुमार जी जब मुझे 97 में लेके गए और जब मेरी पहली दोस्ती हुई, तो सोनू जी ने जो मेरा एक गाना सुना था, जो मैंने, मेरे फादर ने 95 में शरीर छोड़ दिया था, तो उनकी याद में मैंने वो गाना लिखा था और राइटर में उन्हीं का नाम दिया था, वो दशरथ विलाप था। तू ना जा मेरे राजा दशरथ ने, राजा दशरथ ने व्याकुल हो के ये आवाज लगाई। मैं उसकी धुन भूल गया हूँ, कुछ दूसरा गाना मेरे दिमाग में आ गया है। तो ये गाना सुन के जो सोनू निगम, उस समय मैं गा रहा था और वो रिकॉर्डिंग रूम में बैठे थे और जब गाना हुआ तो मेरे को गले लगाया, बोले राजेश जी आपका जो फील है आपके गाने में, फील मुझसे भी अच्छा है और आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे गुरु हैं गुलाम मुस्तफ़ा जी, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का, उनके पास आप जाइए सीखने। और सोनू जी ने उनसे बात भी करी और उनसे, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से हमारी बात हुई और जब हमारे जाने का मौका आया उनसे गंडा बजाने का सीखने का, तो एक जो भी कहेंगे एक दुर्भाग्य की बात थी कि गुलशन कुमार जी का मर्डर हो गया और उस्ताद जी से गंडा नहीं बन पाए, नहीं तो हरिहरन जी, सोनू जी, हम सब गुरु भाई होते। लेकिन वहाँ फिर मैंने दयाल ठाकुर जी हैं जो बड़े गुलाम अली खान साहब के गोद में खेल के बड़े हुए, उनके शिष्य भी हैं, पंडित राजा राम शुक्ल हैं उनके शिष्य, उनसे भी बॉम्बे में वो सीखने का सिलसिला, ये मतलब एंडलेस वे है, बिल्कुल उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ, तो ये आज भी जारी है, सीखना बंद नहीं हो सकता है। और जो आवाज है उस साधना वाली बात है, तो हमारे जो उस्ताद थे हैं अभी जो दयाल ठाकुर जी, कहते हैं मजूरी है, आपको एक घंटा कम से कम रियाज करना ही है और उसमें सबसे पहली रियाज है सा, एक ही साधे सब सदे, दुई साधे सब जाए, तो पहले सा साध लो। तो आज भी तानपुरे पे हमारा जो एक घंटा है सिर्फ सा, क्या बात, सा लगे गई, उसके बाद आगे की रियाज कुछ करो, क्या बात है, काफी कठिन तप होता है एक साधक जैसा कार्य होता है। और आप तो कहने की भक्ति संगीत से जुड़े हुए, तो कहने की आध्यात्मिक रूप से भी कहने की बहुत स्ट्रांग हो चले। देखिए भक्ति संगीत तो एक है ही अध्यात्म का, लेकिन जो फिल्मी संगीत है उसमें भी अध्यात्म छुपा हुआ है, बिल्कुल सही। और मैं बीच बीच में फिल्मों में भी गाया हूँ, कई जगह मैंने नाम नहीं दिए, एक दो फिल्म में मेरे नाम आए हैं, लेकिन फिल्मों में भी मैं गाता हूँ। बाकी मैं कंपोज करके कई बार गाने देता हूँ जिनको आज के कई सिंगर, ममता शर्मा वगैरह, इन लोगों ने, कई लोगों ने आवाज दी है, मेरे परिचित लोग मुझसे कंपोज करा ले। क्या इंदौर में कोई प्रतिभाशाली बच्चे आपको नजर आते हैं जो संगीत के क्षेत्र में नाम कमा रहे हो? देखिए मैं इस दौर में अभी के बच्चों से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन इंदौर की मिट्टी में संगीत मिला हुआ है जो आज तक
हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी गायिका जिसको माना जाता है उसका जन्म इस मिट्टी से निकला है, वो हमारी पूज्य लता मंगेशकर जी, जी, जी है ना। तो इंदौर की तो मिट्टी में ही है। ये है कि सिखाने वाला एक जो स्तर चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो सिखाने की टेक्निक जानते हैं, बिल्कुल है ना। और जो लोग टेक्निक जानते हैं उनको व्यावसायिक रूप से इतनी संबलता नहीं है कि उस ढंग से वो सिखा सके। जैसे यहाँ पे कुछ लोग बहुत टैलेंटेड रहे हैं, जैसे हमने सलील दाते जी का नाम बताया है, एक और मेरे दौर में थे दिलीप बॉस करके, वो भी बहुत अच्छे कंपोजर और बहुत म्यूजिक को समझने वाले थे। और ऐसे कई लोग हुए बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो माधवी करके एक लड़की थी, माधवी चांदोलीकर, और उनके हस्बैंड भी है, वो भी अच्छा रिदम जानते हैं। ऐसे लाइट गाने में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं और सक्सेस भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाग्य नाम की चिड़िया होती है। बिल्कुल सही कहा। वो सही समय सही जगह अगर आप पहुंच गए तो भाग्य आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। लेकिन जिस जगह हम भी पहुंचे हैं, क्योंकि हम एमओजी लाइंस जैसी जगह में रहे हैं, हमने 10th क्लास में पहली बार पैंट पहनी थी। जी सही बात है, पुराने दौर में हम 9th तक तो हाफ पैंट पहनकर ही पढ़े, क्योंकि दयानंद की हमारी ड्रेस थी खाकी नेकर और व्हाइट शर्ट, वही पहन के हम प्रोग्राम भी करते रहे और हमारी मुझे तक आ गई थी तब तक हमने 10th क्लास में पहली बार। लेकिन वो माता पिता का आशीर्वाद था कि आज बंबई में अपना घर है और पूरी दुनिया में जाके प्रोग्राम दे रहे हैं। क्या बात है, काफी रोमांचित करती है आपकी बातें। और कहने के जब किसी इंदौरियन से हम बात करते हैं जो देश दुनिया में अपना नाम, इंदौर का नाम गौरवान्वित कर रहा है, वाकई इंदौरियंस को काफ़ी खुशी होती है। हम जैसे पत्रकारों को भी इंटरव्यूज करने में खूब आनंद आता है कि इंदौर से निकले, प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, दुनिया में नाम कमा लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द प्राइम टॉक से बतौर शख्सियत चर्चा करने के लिए। आप इसी तरह देश दुनिया में दिव्य अहिल्या की नगरी का नाम रोशन करते हैं। सभी इंदौर वालों को जो मुझे गौरव अलग से मिलता है कि मैं पूरी दुनिया में बोलता हूं कि सफाई में नंबर वन जी हमारा इंदौर है जी। तो इंदौर हमारा है, हमारा ही रहेगा और हम आपके हैं, इंदौर वालों के ही रहेंगे जी, जी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कल में राजेश मिश्रा, मिश्रा बंधु के नाम पर एक बार आपको फिर से कुछ ऐसे पल में प्रयास में हूँ कि दूं, जहाँ पे आप गौरव करें कि हाँ वो राजेश मिश्रा हमारे इंदौर के हैं। क्या बात, मैं जानता हूँ उन्हें। क्या बात, बस आपकी शुभकामना की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।